वेलकम बैक। और यहां आपको बताएं कि मलीर शमसी सोसाइटी में घर से चार अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। घर में एक शख्स जख्मी हालत में पाया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक जाबाक अफराद में खातून और तीन बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद को तेज धार आले से गला काटकर कत्ल किया गया। मरने वालों और जख्मी का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वाकये से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। जख्मी फवाद के नाम से शनाख्त हुई है, जबकि जाबाक बच्चियों में 10 साल सिमरा, 12 साल फातमा और 16 साल नेहा शामिल है। जाय वकुआ से आले कत्ल और खून से लदी छुरी भी बरामद हुई। मलीर शमसी सोसाइटी में घर से चार अफराद की लाशें बरामद हुई। घर में एक शख्स जख्मी हालत में पाया गया। जाबहाक अफराद में खातून और तीन बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू जराए के मुताबिक तमाम अफराद को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। मरने वालों और जख्मी का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वाकये से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रही हैं। जख्मी को फवाद के नाम से शनाख्त किया गया है। जाबहाक बच्चियों में 10 साल सिमरा, 12 साल फातमा और 16 साल नेहा शामिल है। जाय वकुआ से आला कत्ल और खून से लदी छुरी भी बरामद की गई। वाकया शमसी सोसाइटी में पहली मंजिल पर पेश आया। SSP कोरंकी के मुताबिक फवाद नामी शख्स फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता है। आपको बताएं कि मलीर शमसी सोसाइटी में घर से चार अफराद की लाशें बरामद हुई। घर में एक शख्स जख्मी हालत में पाया गया। जाबाक अफराद में खातून और तीन बच्चे शामिल। रेस्क्यू सराय के मुताबिक तमाम अफराद को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। मरने वालों और जख्मी का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वाकये से मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। जख्मी फवाद के नाम से शनाख्त हुई। जाबहाक बच्चियों में 10 साल सिमरा, 12 साल फातमा और 16 साल नेहा शामिल है। जाय बकुआ से आला कत्ल खून से लदी छुरी भी बरामद हुई, जबकि वाकया शमसी सोसाइटी में पहली मंजिल पर पेश आया है। SSP कोरंकी के मुताबिक फवाद नामी शख्स फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता है। बेगम और तीन बेटियां घर में है, सो फवाद ड्यूटी पर गया, वापस आकर ये काम किया। मुलजिम फवाद ने पहले बेगम और तीन बेटियों को कत्ल किया है। फवाद का अहलिया से झगड़ा मामूल था। फवाद की बेगम की आवाज भाभी ने सुनी तो घर वाले ऊपर गए। दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर वाले अंदर दाखिल हुए। शोर शराबे की आवाज ना आना, इससे शुबा है कि नशावर चीज दी गई है। चाय बकुआ से आला कत्ल भी मिल गया है। मलीर शमसी सोसाइटी में माँ और तीन बेटियों के कत्ल की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। फवाद निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों का वालिद फवाद जख्मी हालत में घर से मिला है। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फवाद ने बेटियों और बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद भाई और वालिदा ने कोई शोर नहीं सुना। लगता है फवाद ने नशावर चीज खिलाकर बेटियों और बीवी को कत्ल किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया मलीर शमसी सोसाइटी में, जहां घर से चार अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। घर में एक शख्स जख्मी हालत में पाया गया है। जाबाक अफराद में खातून और तीन बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। मरने वालों और जख्मी का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वाकये से मुतालिक तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही है। जख्मी को फवाद के नाम से शनाख्त किया गया। जाबाक बच्चियों में 10 साल सिमरा, 12 साल फातमा और 16 साल नेहा शामिल है। जाय वकुआ से आला कत्ल और खून से लदी छुरी भी बरामद हुई है, जबकि SSP कोरंगी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने अपनी बेगम और तीन बेटियों को हलाक किया है, और उनको हलाक करने के बाद इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की है छुरी के साथ, और जिसमें ये क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी हॉस्पिटल को भेजा गया है। इनके भाई तो हॉस्पिटल गए हुए हैं अभी उनके साथ ही। जहाँ तक इनकी वालदा नीचे रहती हैं, तो उनसे हमने बात की है। उनने बताया कि वाइफ के साथ उनका इशू तो रहता है, लेकिन छोटा मोटा इशू था, कोई इतना सीरियस नहीं था कि जिसका उनको पता हो। और अभी जो वालदा थी और फवाद की जो भाभी हैं, दोनों ने जब ऊपर से उनकी बेगम की आवाज़ आई है, फवाद की बेगम की, तो वो आवाज़ आने के बाद ये जब ऊपर गए हैं, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, बल्कि कुंडी तोड़ी है, तो आगे ये इंसिडेंट हो चुका था। यानी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, वो बता रही हैं एक ही आवाज़ आई है हमें उसकी बेगम की। अच्छा, शायद ये बताएंगे कि कोई जहां बरामद हुआ है, ये आला छुरी बरामद हो। नहीं, ये मकान लगता नहीं है, कोई और रास्ता है नहीं कमरे में जाने का। दो कमरों में बेसिकली डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक कमरे में उनकी बेगम और दो बेटियों की, और दूसरे कमरे में उनकी एक बेटी की डेड बॉडी मिली है। तो दोनों कमरों में जाने का एक ही रास्ता है, और वो बाहर का रास्ता है, एक ही दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा जो उनकी वालदा और भाभी हैं उन्होंने तोड़ के तो खोला है। ये बताएगा फवाद की तबीयत कैसी है, और कोई बयान वगैरह दिया है उन्होंने, कोई बात हुई है उनसे? ही इज़ क्रिटिकल, तो अभी
पहले ये है कि उसकी लाइफ बच जाए, उसके बाद फिर बयान लेंगे। नामालूम जख्मी खातून कह रहे हैं, वो कोई कोई जख्मी खातून की है? नहीं, उनकी बेगम है, वो डेड हो चुकी है। भाई 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 भाई, ये बता दीजिएगा कि इतने लोगों को बैक वक्त एक साथ मर्डर करना, क्या कोई नशावर मशरूब वगैरह भी कोई पिलाया गया है, कोई इस तरह की शवाहिद मिले? देखिए, शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन लग ऐसा रहा है, क्योंकि जितना उन्होंने ब्रूटली और इतना ग्रूसम है और जितना शिद्दत के साथ उनको हलाक किया है, और उसके बाद फिर चीखो पकार की आवाज़ भी नहीं आई है, तो इससे लगता है मे बी, लेकिन इसको हम क्योंकि अभी उसकी पोस्टमार्टम होगा डेड बॉडीज़ का, और हमारी फॉरेंसिक टीम भी है, हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन भी है, तो ये सारी चीज़ें अभी प्रोब होंगी, तो उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। ये फॉरेंसिक टीम है, वो अभी इसको चेक कर रहे हैं उनसे, या फिर अदरवाइज जो डेड बॉडी है उनका जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होगा तो उससे पता चलेगा। है वो एक ही घर में मौजूद थी, और उसके बाद जो उसका वालिद है वो वहाँ पर आया, वो सेल्स मैनेजर के तौर पर फवाद काम करता है, और फवाद ने आकर जो है वो ये हो सकता है कि कत्ल किया हो, अभी तहकीकात हो रही है, फवाद का बयान नहीं लिया गया है, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स घर के अंदर मौजूद थे उनसे भी बयान लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी ये बात का इल्म नहीं है कि किसने ये कत्ल किया है। फवाद की जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि फवाद ने पहले नशावर चीज़ खिलाई है कोई, और उसके बाद अपनी फैमिली को कत्ल किया है, क्योंकि बाहर से किसी के आने का दाखला मुमकिन नहीं है। और जिस तरीके एसएसपी कोरंगी बयान कर रहे हैं कि तमाम तर तहकीकात का आगाज अब कर चुके हैं, और इसके बाद ही मजीद तफसीलात भी जानेंगे कि किस तरीके से आगे की तहकीकात होगी।